बोलो सतगुरुदेव की जय। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाँह। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक, बंदी छोड़ कबीर साहब जी, कबीर देव जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पितैसी हैं। हम सभी आत्माएं अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। ये काल कौन है? हमारे यहां जन्मने और मरने के पीछे ये क्या क्या कहानी है, क्या कारण है? आज हम चाहे कितने ही धनी हो, कितने ही हमारा परिवार संपन्न हो, एक पल में ना जाने क्या हो जावे, परिवार के परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अक्षेत्र के अक्षेत्र भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, लाखों मनुष्य मर जाते हैं, उनके बच्चे भी साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और शेष बच्चे ये सोचते हैं कि हम कुशल हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर के हमें ये बताया कि जिनको काल ने ग्रास कर लिया, जिनको उन आपदाओं ने नष्ट कर दिया, वो भी कुछ क्षण पहले अपने आप को कुशल समझ रहे थे। उनकी ना जाने कितनी आशाएं थी, उतनी ही आशाएं थी जितनी शेष बचे हुओं की हैं। वो स्वयं ही ना रहे, आशाएं तो कहां से होनी थी, कहां से रहनी थी। पुण्यात्माओं परमात्मा ने आके, कबीर परमेश्वर जी ने आके इस काल के षड्यंत्र का बांडा फोड़ किया है कि तुम अपनी गलती के कारण आप जी यहां आ गए और अब ये तुम्हें रास्ता नहीं दे रहा। इसके कारण इसका स्वार्थ है कि इस काल को जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। वेदों में इसे ब्रह्म कहा है जिसका ओम नाम, ओम मंत्र है जाप करने का। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है, इसको ब्रह्म कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। ये स्वयं भी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अब इन सभी लोगों को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन देख रहा है कि हे प्रभु, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आपके सामने ये सिद्धों के समुदाय के समुदाय, देवताओं के पूरे ग्रुप आपके सामने करबद्ध खड़े हैं और मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपसे भीख मांग रहे हैं अपने जीवन की, अर्थात मंगल कामना कर रहे हैं, आप उनको भी खा रहे हो।
तब गर्भ में अध्याय के 32वें श्लोक में ये काल कहता है, जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पिताजी हैं, ये काल कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, मैं काल हूं और इन सभी लोकों को इन सभी सेनाओं को इनका नाश करने के लिए अब मैं प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन देख रहा है कि कुछ देवता कुछ व्यक्ति आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुंह में समा चुके हैं, ये काल कौन है? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने उस गीता के ज्ञान के उपरांत यानी महाभारत के युद्ध के उपरांत अपने आप को कभी काल नहीं कहा, क्योंकि ये काल नहीं थे। ये सतोगुण भगवान विष्णु अवतार थे और विष्णु जी इतने शांति प्रिय सतोगुण युक्त हैं कि एक बार भृगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु जी के सीने में लात मार दी थी। भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी सतोगुण ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा सीना वज्र जैसा सख्त है, आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं आई? क्या वो महापुरुष जो इतना शांति प्रिय और इतना दयालु है, क्या वो काल हो सकता है? क्या वो अपने आप को काल कह सकता है? जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप रहे हैं, तो वो श्री कृष्ण नहीं, श्री विष्णु नहीं, वो काल था जो श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कह गया, बोल गया। मुख यानी ये शरीर समझो एक यंत्र है, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, और टेप रिकॉर्डर में जो भी जैसी भी कोई कैसेट डाल दी जाती है, फिर वो कैसेट बोलती है, उस कैसेट वाला ही मैटर बाहर बोल रहा है वो टेप रिकॉर्डर। श्री कृष्ण जी के शरीर अर्थात टेप रिकॉर्डर में इस काल ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, इसने स्वयं प्रवेश करके और अपनी कैसेट चला दी। उसने गीता जी का ज्ञान स्वयं बोला। अपनात्मा तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें निष्कर्ष निकले, जिस ज्ञान के आधार से गूढ़ रहस्यों की जानकारी हो, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, और पांचवा वेद है सूक्ष्म वेद, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, ब्रह्म ने मुखे कहा है। ब्रह्म ने मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उत्तरित वाणी, मैं अर्थात उस सूक्ष्म वेद में कबीर वाणी, मैं विस्तार से सब अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार से दी गई है। और वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को चौथे अध्याय के गीता जी के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, कबीर वाणी में सूक्ष्म वेद में, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ,
वह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी से भी भिन्न है और वो कंप्लीट है, वो पूर्ण ज्ञान है जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। इसलिए उसने ये कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, उस परमात्म ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा की जानकारी को तत्वदर्शी संतों से पूछो। वो तत्व ज्ञान सुख संवेद और पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सुधा सागर, ये हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान का सिलेबस है, आध्यात्मिक ज्ञान का ये पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस है। और कोई भी आचार्य, गुरु, महामंडलेश्वर जी यदि हमारे सिलेबस के आधार से, यानी हमारे पवित्र सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान को हमें बता रहा है तो वो ज्ञान है सही। और जो इन पवित्र सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है, अर्थात जो सिलेबस से बाहर, पाठ्यक्रम से बाहर कोई टीचर, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, तो वो उसका ज्ञान सही नहीं है, उसका ज्ञान सिलेबस अनुसार नहीं है, पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं है। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक टीचर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आचार्य हैं, यदि वो हमारे सदग्रंथों में वर्णित उल्लेख के आधार से वो अपना ज्ञान सुना रहे हैं, जनता को प्रवचन कर रहे हैं, तो वो ज्ञान सही है, वो अध्यापक सही है। वो क्योंकि ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं ये भी टीचर होते हैं, ये आध्यात्मिक टीचर हैं, और हमारा सिलेबस है ये पवित्र सदग्रंथ। इनमें वर्णित विधि और ज्ञान को जो टीचर अर्थात जो आचार्य गुरु हमें बता रहा है तो वो टीचर सही है, वो आचार्य है। और जो हमारे सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है उसको लोक वेद कहते हैं। वो लोक वेद मीन उसका सेल्फ मेड दंत कथा, तो वो ज्ञान निराधार होता है। और जिस प्रकार विद्यार्थियों का नाशक होता है वो टीचर, जो सिलेबस से बाहर का ज्ञान उनके अंदर फीड कर रहा है, ठीक इसी प्रकार वो आचार्य आध्यात्मिक टीचर, आचार्य गुरु, वो शत्रु है उस मानव समाज का, श्रद्धालुओं का, जो उसके ऊपर आश्रित हैं और वो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है। और सदग्रंथों में वर्णित, शास्त्रों में वर्णित विधि से विपरीत भक्ति विधि बता रहा है, मनमाना आचरण करा रहा है, वो टीचर ठीक नहीं, वो आचार्य ठीक नहीं, वो शत्रु है आप जी का।